तो बच्चों आज हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन इक्वल्स टू 4, इफ 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू दे रखा है और ये कंडीशन दे रखा है। ठीक है, हम सबको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी पावर एक्स इंटू क्यू पावर एन माइनस एक्स। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को सब्सटीट्यूट कर देंगे इस कंडीशन में, तो अपने को क्या मिलेगा, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, यानी कि इस फॉर्मूले में एक्स की जगह 3 रखना है, एन की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 4c3 पी पावर 3 क्यू पावर 4 माइनस 3 यानी कि 1। ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पर आएगा 4c2 पी पावर 2 क्यू पावर एन माइनस 2 यानी कि 4 माइनस 2 वो फिर से हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब हमें पता है कि 4c3 जो होता है वो 4c1 के बराबर होता है, और 4c1 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप समझ सकते हैं कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है ना, चलो तो 4c3 की वैल्यू हो गई 4, पी पावर 3 एज इट इज़, और क्यू पावर 1 को क्यू लिख लेंगे, इक्वल्स टू 3 टाइम्स 4c2 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 यानी कि 6। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, 4c2 की। ठीक है, तो यहाँ आ गया 6 इंटू पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 2 3 ज़ा पी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर एक पी बच जाएगा, यहाँ से एक क्यू, यहाँ से एक क्यू कैंसिल, यहाँ पर क्यू बच जाएगा। ठीक है ना, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 4p इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 क्यू। ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि पी प्लस क्यू की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो क्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी हो जाएगा, तो क्यू की जगह पर 1 माइनस पी रख देते हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा 4p इक्वल्स टू 9 इंटू 1 माइनस पी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, वी विल गेट 4p इक्वल्स टू 9 माइनस 9p। इस 9p को लेफ्ट में ले लो तो अपने पास आ जाएगा 13p इक्वल्स टू 9, यानी कि p इक्वल्स टू 9 अपॉन 13। ठीक है, कहाँ नज़र आ रहा है, देखो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, फाइन। अगला सवाल, गिवन दैट एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन इक्वल्स टू 10 पी इक्वल्स टू 0.4, देन फाइंड दी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, एन इंटू पी। ठीक है, तो एन इंटू पी कर लो, आपको ई ऑफ एक्स मिल जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है 10 और पी की वैल्यू है 0.4, यानी कि आंसर आएगा 4, ई ऑफ एक्स की वैल्यू 4, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2.4 पी इक्वल्स टू 0.4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है ना, तो ये वी ऑफ एक्स क्या होता है, वेरियंस होता है, वेरियंस ऑफ एक्स। वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, एन इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा, यहाँ पर देखो पी की वैल्यू कितनी दे रखा है 0.4, तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 0.6। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पी और क्यू मिला करके कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, तो अगर पी की वैल्यू 0.4 है तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6, दोनों मिला करके 1 होने चाहिए, फाइन। ओके, वी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखा है 2.4, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, पी की वैल्यू है 0.4 और क्यू की वैल्यू है 0.6। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2.4 इक्वल्स टू 4 6 24, एन इंटू 0.24 यहाँ पर आ जाएगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है ना, समझ में आ गया, कहाँ पर नज़र आ रहा है, ऑप्शन ए में, यहाँ से तो सॉल्व कर लोगे ना। चलो अगला सवाल, गिवन दैट एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8, देन वैल्यू ऑफ पी इज़ व्हाट, तो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू पी। सही है, ई ऑफ एक्स की वैल्यू 8 दे रखा है, एन की वैल्यू 10 है और पी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो डिवाइड कर दो। ठीक है ना, 8 को 10 से डिवाइड कर दो, पी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 0.8 इज द वैल्यू ऑफ पी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। पांचवा सवाल, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ एन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 1 हो जाए तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपने को मिलता है वो एक स्पेशल केस होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बर्नौली ट्रायल। ठीक है, समझ में आ गया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। थ्री क्वेश्चन है, अगर नहीं पता तो याद रख सकते हो आप लोग। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 12 वी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो दोनों के फॉर्मूले अपने को पता होना चाहिए। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एन इंटू पी,
और वी ऑफ एक्स का यानी कि वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एन इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, समझ में आ गया। ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखा है 12, यानी कि एन पी की वैल्यू कितनी है 12। सही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी ऑफ एक्स की वैल्यू 4 डालेंगे, एन पी की जगह पर 12 डालेंगे और इंटू में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/12 इक्वल्स टू क्यू, यानी कि क्यू इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, क्यू की वैल्यू 1/3 है तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3, दोनों मिला करके 1 होने चाहिए। तो पी की वैल्यू भी आ गई, क्यू की वैल्यू भी आ गई। अब पी की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है ना। तो दिस बिकम्स 12 इक्वल्स टू एन इंटू 2/3, 2 6 12, एन इज इक्वल्स टू 3 × 6 यानी कि 18, एन इज इक्वल्स टू 18। समझ में आ गया। तीसरा सवाल देखो, जहाँ पर हमें पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला दे रखा है और हमसे एन पी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फार्मूला से, जो होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी पावर एक्स इंटू क्यू पावर एन माइनस एक्स। ठीक है ना, देखो कंपेयर करने पे एन की वैल्यू क्या मिल रही है, 8 मिल रही है, और पी की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2। अगर क्यू पूछा होता तो क्यू की भी वैल्यू क्या होती, 1/2 होती। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, ये 3 नहीं बल्कि 8 आएगा। फाइन, अगला सवाल, स्टेट द फॉर्मूला फॉर पी एम एफ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वही फॉर्मूला जो अभी लिखे थे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी पावर एक्स इंटू क्यू पावर एन माइनस एक्स। ओके, फिर पांचवा, अ डाइस थ्रोन इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ द आउटकम्स देन फाइंड द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पर पहले आउटकम लिख लेते हैं, डाई थ्रो करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर उनके डिवाइजर्स देख लेते हैं हर एक आउटकम के, तो 1 का एक ही डिवाइज़र है 1, 2 के 1 है 1 और 2, 3 के भी 2 है 1 और 3, 4 के है 3 1, 2 एंड 4, 5 के है 2 1 और 5, और 6 के कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स। तो इसका एक ही डिवाइज़र है, इसके 2 है, इसके भी 2 है, इसके 3 है, इसके 2 है और इसके 4 है। अब नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स में क्या क्या वैल्यू मिल रही है अपने को, 1, 2, 3 एंड 4, तो यही हमारी रेंज है। ठीक है ना, रेंज ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ, जिसका पहला सब क्वेश्चन है, अ रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द वैल्यू ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स आर 18 एंड 12 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं आएगा बल्कि पॉसिबल आएगा। अब क्या फाइंड करना है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। ई ऑफ एक्स हमें पता है कि एन इंटू पी होता है, और वी ऑफ एक्स क्या होता है, एन इंटू पी इंटू क्यू होता है। ठीक है, ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखा है, यानी कि मीन 18, तो एन इंटू पी हो गया 18, और वेरियंस की वैल्यू है 12, यानी वी ऑफ एक्स हो गया 12। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एन पी की जगह पर 18 रख देंगे, तो दिस बिकम्स 12 इक्वल्स टू 18 क्यू। क्यू की वैल्यू निकाल लो तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 12/18, यानी कि 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 2/3। फाइन, समझ में आ गया ये। अच्छा, अब क्यू मिल गया तो पी भी निकाल लेते हैं। क्यू 2/3 है तो पी कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि दोनों मिला करके कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। फाइन, अब इस पी की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, फोर 18 इज इक्वल्स टू एन इंटू पी बिकम्स 18 इक्वल्स टू एन इंटू 1/3। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 54 आ गई। हमें एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। हमें पता है कि एक्स की जो वैल्यूज़ होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर के n तक, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ इस केस के लिए या फिर इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगी, 0 से लेकर के कहाँ तक, 54 तक। अब मुझे बताओ कि एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो रही है, 55। ठीक है ना, 1 से लेकर 54 तक 54 वैल्यूज़, और ये 0, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 55। पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर 55। ठीक है, क्लियर है ये। चलो अगला सवाल देखेंगे, गिवन एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6, वी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4.2, फाइंड एन एंड पी। देखो ऐसा ही है ना, सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो हमें आगे भी बढ़ना था, यहाँ पर सिर्फ एन और पी पे रुक जाना है, तो ये वाला आप लोग कर लोगे, होमवर्क में ले लो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद एन इक्वल्स टू 10 एंड पी इक्वल्स टू 0.4 देन फाइंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर।
अब देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने ई ऑफ एक्स स्क्वायर का एज सच कोई फॉर्मूला तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला गुजरा है वेरियंस ऑफ एक्स का, जहाँ पर हमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का द होल स्क्वायर। सही है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो अपने को क्या मिलेगा? वेरियंस ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, एंड दिस विल गिव यू ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मीन का स्क्वायर निकालना है, वेरियंस निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। हमें पता है कि वेरियंस क्या होता है? एन इंटू पी इंटू क्यू, और ई ऑफ एक्स क्या होता है? एन इंटू पी इसका स्क्वायर इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर। फाइन, समझ में आ गया। अब हमें किसकी ज़रूरत है? एन और पी और क्यू की। ठीक है, एन और पी तो है अपने पास, क्यू कैसे निकालेंगे? पी से क्यू निकल जाएगा, पी से क्यू निकल जाएगा। ठीक है ना, तो एन इक्वल्स टू 10 है, पी इक्वल्स टू 0.4 है, तो पी 0.4 होने की वजह से क्यू क्या हो जाएगा? 0.6। राइट, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो तो अपने को ई ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। देयरफॉर ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, यानी कि ये हो गया 2.4 प्लस एन इंटू पी, यानी कि 10 इंटू 0.4, तो ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2.4 18.4। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे चौथे सवाल की तरफ। इफ एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू टाइम्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये एमसीक्यू में किए थे, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए। ठीक है ना, होमवर्क। ओके, अगला सवाल। लेट दी पी एम एफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बी पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 CX 5/9 power x 4/9 power 4 minus x, वेयर एक्स इज फ्रॉम 0 to 4, फाइंड ई ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ एक्स। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर कर लूँ, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्मूला, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी पावर एक्स इंटू क्यू पावर एन माइनस एक्स, वॉट वी गेट इज एन इक्वल टू 4। ठीक है, एंड पी इक्वल्स टू 5/9, पी इक्वल्स टू 5/9। ठीक है ना, और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/9। ठीक है, समझ में आ गया। एन पी क्यू की वैल्यू मिल गई, ई ऑफ एक्स भी आ जाएगा, वी ऑफ एक्स भी आ जाएगा। तो ई ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एन इंटू पी से, एन इंटू पी कर लो, 4 into 5/9 यानी कि 20/9। और वी ऑफ एक्स के लिए, वी ऑफ एक्स के लिए एन इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है ना, यानी कि 4 into 5/9 into 4/9, तो ये हो जाएगा 4 5 20 4 80/81। ठीक है, आई होप कि समझ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट सब क्वेश्चन है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 times, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसको 5 बार रिपीट किया जा रहा है, तो एन की वैल्यू हो गई 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉइन शोज एग्जैक्टली 3 times हेड नो हेड। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, या फिर 5 हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि 5 बार टॉस कर रहे हैं, तो ऐसे हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, या फिर मैक्सिमम 5 हेड है और उनके बीच की सारी वैल्यूज। ओके फाइन, अच्छा कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास 2 ही आउटकम्स हो सकती हैं, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, तो हेड को हम सक्सेस मान लेते हैं। लेट पी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यानी कि ये हमारे लिए सक्सेस है। फाइन, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2, क्योंकि दोनों मिलाकर के कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो, तो P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू भी आ गई और N की वैल्यू भी आ गई। अब हमें पहली चीज़ क्या फाइंड करनी है? कॉइन शोज एग्जैक्टली 3 times हेड्स। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट X इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एन सी एक्स। पहले तो ऐसे फॉर्मूला लिख लो एक बार, U ऑफ X इक्वल्स टू एन सी एक्स पी पावर X इंटू क्यू पावर एन माइनस एक्स। देयरफॉर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5c3 हाफ पावर 3 हाफ पावर
ठीक है, समझ में आ गया। 5C3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5C2 के बराबर, ठीक है ना। 5C2 की वैल्यू निकाल लो साइड में, 5C3 इज इक्वल टू 5C2, और 5C2 की वैल्यू होगी 5 × 4/2 × 1 यानी कि 10, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे 10 × 1/2 यानी कि 8, और 1/2 यानी कि 4, ठीक है। कैंसिल आउट कर लो तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 4 × 4 = 16, 5/16 इज द आंसर। एक आंसर आ गया, ठीक है। बी पार्ट कर लेंगे, बी में हमें क्या निकालना है, नो हेड की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 निकालना है, ठीक है ना। चलो अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5C0 हाफ रेस टू 0 हाफ रेस टू 5 − 0 यानी कि 5। 5C0 कितना होता है 1, ठीक है। हाफ रेस टू 0 भी हो जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 यानी कि 1/32। तो फाइनल आंसर इज 1/32, ठीक है। आई होप कि समझ रहे हैं आप लोगों को। अगला सवाल देखेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट विल सर्वाइव अ चीक टेस्ट इज 0.6, ठीक है। तो सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस मान लेते हैं, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.6, ठीक है ना। स्टेटमेंट वगैरह आई होप कि तुम लोग लिख लोगे, लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट कंपोनेंट सर्वाइव्स द चीक टेस्ट। तो पी की वैल्यू होगी 0.6, यही हमारे लिए सक्सेस है। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.4 यानी कि क्यू की वैल्यू 0.4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ द नेक्स्ट फोर टेस्टेड कंपोनेंट्स सर्वाइव, ठीक है। आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, चार कंपोनेंट्स को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो चीक टेस्ट है ये कितने बार परफॉर्म किया जा रहा है, चार बार परफॉर्म किया जा रहा है। जैसे बोलो चार कंपोनेंट्स पे परफॉर्म किया जा रहा है, ओके फाइन। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। रैंडम वेरिएबल एक्स मान लेंगे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सर्वाइविंग द टेस्ट, कंपोनेंट्स सर्वाइविंग द टेस्ट, ठीक है, सर्वाइविंग द टेस्ट। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताना जरा। एक्स की वैल्यू हो सकती है 0, एक भी कंपोनेंट टेस्ट सर्वाइव ना करे, या फिर एक कर ले, या फिर दो कर ले, या फिर तीन कर ले, या फिर चार कर ले। मैक्सिमम एक्स की वैल्यू 4 हो सकती है, क्योंकि 4 ही कंपोनेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि चारों के चारों कंपोनेंट्स टेस्ट को सर्वाइव कर जाए, ओके फाइन। एक्स की वैल्यू आ गई, पी है, क्यू है, एन भी है। हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू कंपोनेंट्स सर्वाइव द टेस्ट। एक्स इक्वल टू 2 जब होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। अब ये बहुत ही आसान है, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई होप कि कर लोगे। चलो अगला सवाल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 9 out of 10 आंसर्स इन अ ट्रू और फॉल्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट। एक टेस्ट है जिसके अंदर सिर्फ ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी हो जाएगी, हाफ, क्योंकि क्वेश्चन या तो ट्रू होगा, मतलब क्वेश्चन का आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है ना। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2, फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं, यानी कि 10 बार हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है ना। 10 बार ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, ओके फाइन। हम मान लेते हैं रैंडम वेरिएबल एक्स को नंबर ऑफ क्वेश्चंस गेटिंग राइट, ठीक है। आई बात समझ में, एक्स क्या मान रहे हैं हम लोग, कितने क्वेश्चंस हमारे राइट हो रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू हो सकती है कि 0, एक भी क्वेश्चन राइट ना हो, या फिर एक क्वेश्चन राइट हो सकता है, दो हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस राइट हो सकते हैं हमारे, 10 हो सकते हैं। और हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 9 out of 10 आंसर्स, एटलीस्ट 9 यानी कि कम से कम 9, 9 से कम नहीं चलेंगे, 9 से ज़्यादा चलेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 9 या 9 से ज़्यादा, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। 9 या 9 से ज़्यादा में कौन कौन आ जाएगा, 9 और 10 आएंगे सिर्फ, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 10। यही दो केसेस हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है ये। चलो अब क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल टू 9 का भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और पी ऑफ एक्स इक्वल टू 10। कुछ नहीं करना, वैल्यू चेंज करनी है बस, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 9 के लिए क्या लिखेंगे, 10C9 P power 9 Q power 1, ठीक है, प्लस 10C10
पी पावर 10, क्यू पावर 0, ठीक है। 10 से 9 किसके बराबर होता है? 10 से 1 के बराबर होता है, ठीक है। हाफ पावर 9 इंटू हाफ पावर 1 क्या हो जाएगा? हाफ पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 10 से 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 10 से 10 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पर आ जाएगा हाफ पावर 10, और हाफ पावर 0 की वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। 10 से 1 अगेन 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हाफ पावर 10 को बाहर ले लेता हूँ, कॉमन है, हाफ पावर 10 बाहर आ गया। यहाँ से कौन बचा? 10 से 1, 10 से 1 की वैल्यू होती है 10, प्लस यहाँ से कौन बचा? 1 बचा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 1 11 अपॉन 2 पावर 10, यानी कि 1024, दिस इज़ दी फाइनल आंसर या फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, अगला सवाल। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, यानी कि एन की वैल्यू है 8, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड्स एग्जैक्टली 5 टाइम्स। तो एक्स मान लेते हैं नंबर ऑफ हेड्स को, लेट एक्स बी नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक के? 8 तक के। ओके फाइन, क्योंकि 8 बार टॉस कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है? पहली केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5, ये आप लोग कर लोगे, ठीक है। और दूसरे में देखो क्या करना है, एटलीस्ट वंस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कम से कम एक बार आना चाहिए, एक से कम नहीं चलेगा, एक से ज़्यादा चलेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड वाले में ये चाहिए, ये मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ठीक है। सेकेंड वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 एंड सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 8, ठीक है। हो बाप रे, इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेगी, मतलब ये जो फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स का, ये इतने बार हमको अप्लाई करना पड़ेगा, 8 बार। कौन अप्लाई करेगा? इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे। कैसे दिमाग लगाएंगे? हमें पता है कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी और इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1 में से इसको माइनस कर देता हूँ, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इन सब की प्रोबेबिलिटी करो तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे ये प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए तो 1 में से मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देता हूँ, समझ में आ गया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके फाइन, हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, 1 में से 0 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, 1 से 8 तक की प्रोबेबिलिटीज मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, एन की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो ये हो जाएगा 8 से 0, पी यानी कि हाफ, ठीक है। कॉइन टॉस कर रहे हैं तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाफ है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, हेड आना हमारे लिए सक्सेस है, तो पी की वैल्यू हो गई हाफ पावर 0, क्यू की प्रोबेबिलिटी भी हाफ पावर 8, फाइन। चलो तो यहाँ पर अपने पास आएगा 1 अपॉन 2 पावर 8, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 256, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट 255 अपॉन 256, दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हु अंडरगोज अ किडनी ऑपरेशन विल बी रिकवर्ड इज 0.5, ठीक है। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। तो फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.5 हो जाएगी। ओके फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 पेशेंट्स हु अंडरगो सिमिलर ऑपरेशन, यानी कि एक ऑपरेशन हम लोग 6 पेशेंट्स पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो 6 बार ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, एन की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 पेशेंट्स हु अंडरगो सिमिलर ऑपरेशन नन विल रिकवर, हाफ ऑफ देम विल रिकवर। ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रैंडम वेरिएबल एक्स ले लेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि एक्स क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट रिकवर, नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट रिकवर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, हो सकता है कि भैया 6 के 6 पेशेंट्स को हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया उनके ऊपर और उसमें से एक भी रिकवर नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि 6 में से 1 रिकवर हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, या फिर 6 के 6 पेशेंट्स रिकवर कर जाए, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्स की, ये वैल्यूज़ हमारे पास हो सकती है। हमें प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालनी है? पहले वाली केस में प्रोबेबिलिटी दैट नो वन विल रिकवर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरे वाले में हाफ ऑफ देम विल रिकवर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 फाइंड करना है, समझ में आ गया। अब आप लोगों को फॉर्मूला पता है पी ऑफ एक्स का, आई होप कि फॉर्मूला लगा करके आंसर
निकाल लोगे, p की वैल्यू भी है, q की वैल्यू भी है और n की वैल्यू भी है, ठीक है। p ऑफ x का जो फॉर्मूला है एन सी एक्स इंटू पी पावर एक्स इंटू क्यू पावर एन माइनस एक्स, ये लगा दो, x की वैल्यू सब्सिट्यूट करो, n की, p की, q की सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा a के लिए भी और b के लिए भी। आई होप कि कर लोगे। तो यहाँ पर अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सबको समझ में आया है। अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।